तो इनवर्स फंक्शन अपन पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ते हैं एक और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, हेडिंग लिखो फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप देखो, ये पर्टिकुलर फंक्शनल रिलेशनशिप तब हमें अच्छे से समझ में आएगा, कब आएगा, जब अपने लिमिट पढ़ लिया होगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, इंटीग्रेशन, हाँ, और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कर लिए होंगे। क्योंकि कई बार फंक्शनल रिलेशनशिप जो गिवन होती है उसमें लिमिट लगती है, इंटीग्रेशन लगता है, डिफरेंशियल इक्वेशन लगती है, क्योंकि फंक्शनल रिलेशनशिप गिवन है, एफ डैश एक्स गिवन होता है कई बार, तो वहां पे हमें इंटीग्रेशन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो अभी जो अपन लिखेंगे वो सब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, उनको प्रूविंग वगैरह नहीं करेंगे। हाँ, उसके सपोर्ट के लिए हम फंक्शन को चेक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल रिलेशनशिप है, उनको आप देख लीजिए, और जब भी वो फंक्शनल रिलेशनशिप दिखें तो उनसे रिलेटेड जो फंक्शन है उनके बारे में तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए। सो राइट डाउन, पहला लिखो, फर्स्ट वन, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल देन। यदि कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा है कि फंक्शनल रिलेशनशिप इस तरह की दे रखी है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा, ऐसा क्या फंक्शन होगा, ऐसा तब क्या होगा कि जो फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल्स के एक्स होगा, वेयर के बिलोंग्स टू रियल, और एफ एक्स इक्वल्स जीरो ये कांस्टेंट फंक्शन भी इस रिलेशनशिप को फॉलो कर सकता है। यदि हम देखो जीरो रखें, एफ एक्स इक्वल टू जीरो रखें, तो क्या होगा, एक्स और वाई यहाँ ये भी जीरो, ये सब जीरो हो जाएगा, इसको फॉलो कर लेगा, है ना। लेकिन ज्यादातर जो एग्जामिनर का माइंड होता है वो आपसे ये बात कर रहा है कि इस फंक्शन के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन ये भी है समटाइम्स, है ना, ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। जैसे यदि हमने एफ एक्स इक्वल टू ये ले लिया, तो एफ ऑफ मतलब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, के टाइम्स एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस के वाई। अच्छा, के एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स, और के वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ वाई। तो यदि ऐसा है तो हमें फंक्शन इसके बारे में सोचना चाहिए, एफ एक्स इक्वल्स के एक्स के बारे में सोचना चाहिए। बात समझ आई। सेकेंड लिख लो, सेकेंड है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल देन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और एफ एक्स इक्वल्स ए टू द पावर एक्स। यदि कुछ ऐसा है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप गिवन है, तो तुम्हारा दिमाग कहां पर जाना चाहिए कि फंक्शन क्या है, ए की पावर एक्स है ना। यहां पे तुम देखोगे तो कैसा होगा, यदि हम वेरीफाई करें, वेरीफाई करें तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई ना, और ये क्या हो गया, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इंटू ए की पावर वाई एफ ऑफ वाई। क्या ये बात समझ, है ना। इसलिए अपन जब भी इस तरह का, जैसे यहाँ पे है सम स्प्लिट हो गया तो लीनियर फंक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तीसरा लिखो, थर्ड वन, थर्ड थर्ड पॉइंट लिखो,
कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन जीरो, देन एफ एक्स इक्वल्स क्या होगा, के एल एन एक्स, और एफ एक्स इक्वल्स जीरो, ये दो फंक्शन बन सकते हैं यदि ऐसा है। ऐसा देखो लॉग में ही तो होता है, प्रोडक्ट को किस किस में स्प्लिट कर सकते हैं, लॉग एक्स वाई कितना होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो यदि प्रोडक्ट है तो इस तरह से, तो मतलब फंक्शन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लॉग की तरफ इशारा कर रहे हैं। नाउ फोर्थ कुछ ऐसा है, नहीं डिवीजन के लिए अलग है, चलो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कुछ ऐसा गिवन है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ वाई है ना। यदि ऐसा है तो अपन ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स एक्स की पावर एन होगा, और एन बिलोंग्स टू रियल हो सकता है। अच्छा मतलब हाँ, यदि ऐसा फंक्शनल रिलेशनशिप है तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स की पावर एन होगा, इसमें एन क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। फिफ्थ, यदि कुछ ऐसा दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे x और y पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना, जब डिपेंडेंसी नहीं होता है x और y पे एक वेरिएबल, तो ये कैसा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसका मतलब कि fx क्या होगा, fx इज कांस्टेंट फंक्शन है ना, c इज एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन है। अभी सिक्स लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल नॉमियल फंक्शन एंड सेटिस्फाइंग, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड सेटिस्फाइंग एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, देन एफ एक्स इक्वल्स वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन। हाँ मतलब एफ क्या है, इस समय कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये फंक्शनल रिलेशनशिप दिया है, तो फंक्शन क्या होगा, या तो वन प्लस एक्स की पावर एन होगा या फिर क्या होगा, वन माइनस एक्स की पावर एन होगा, ये इन दो में से कोई एक होगा। तो जिस तरह का क्वेश्चन है उस समय देखेंगे, यदि इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई। एक और पॉइंट है, 3, 4, 5, 6 सेवेंथ पॉइंट लिख दे, सेवेंथ पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर सेवन, इसकी प्रूविंग में बहुत टाइम जाएगा, प्रूव करेंगे तो है ना। हाँ प्रूविंग नहीं करना है अभी, बस कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसको याद कर लेना, ठीक है, प्रूविंग करेंगे जब टाइम होगा, उसमें कंटिन्यूटी के बाद थोड़ा थोड़ा प्रूविंग करेंगे। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट नंबर सेवेंथ लिख दो, क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एफ वाई प्लस वाई एफ एक्स, ऐसा कुछ गिवन है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल, एंड एफ इज डिफरेंशिएबल यदि फंक्शन एफ क्या है, डिफरेंशिएबल है इन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इनफिनाइट, देन
हाँ मतलब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एफ डैश वन इसमें आ जाता है, चलो लिख दिया। देन देन एफ एक्स इक्वल्स एफ डैश वन एक्स एल एन एक्स। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल रिलेशनशिप, सारे लिखे है ना, समझ आए। एक दो क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड कि किस तरह के क्वेश्चन है। हाँ, किस तरह के क्वेश्चन होता है, हटा दे इसको। एक क्वेश्चन है लिखो, राइट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचुरल नंबर नंबर ए फॉर विच समेशन एफ ऑफ ए प्लस के, वेयर के मूविंग फ्रॉम वन टू एन इज इक्वल टू 16 इंटू टू टू पावर एन माइनस वन, वेयर एफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फर्दर एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू, ऐसा कुछ दे रखा है, सॉल्व करो। हाँ सॉल्व दिस क्वेश्चन। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू गिवन है। हाँ बिल्कुल फॉर्मूला यूज करना है। ऐसा कब देखने को मिलता है, देखो कौन सा है ऐसा, यदि फंक्शन ऐसा दिया हुआ तो इसका क्या मतलब है कि एफ एक्स क्या होगा। हाँ हाँ ए टू पावर एक्स ना, ऐसा कुछ है ना। अब हमें ए नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ वन इज इक्वल टू तो टू दे रखा है ना, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू, तो ए की पावर वन इज टू, तो मतलब ए क्या मिल गया, टू मिल गया ना, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इक्वल्स टू की पावर एक्स, ये फंक्शन हो, बात समझ है। अच्छा इसमें जो ए है और ये ए अलग अलग है बच्चा, इसमें ए और ये अलग है, ए की पावर तो यहाँ पे ए दे रखा है ना, तो यहाँ पे एक काम करते हैं ये बी कर देता है, ठीक है अच्छा रहेगा, कोई बी की पावर एक्स है तो बी टू हो गया, तो एफ एक्स कितना हो गया टू की पावर एक्स, ऐसा कुछ, बात समझ आई। तो चूंकि ऑलरेडी ए दे रखा है ना, इसमें ए ही तो चाहिए अपन को, तो अपन के पास फंक्शन आ गया, और ये दे रखा है कि यहाँ पे कुछ कुछ ये समेशन दे रखा है, समेशन के इज मूविंग फ्रॉम वन टू एन। अच्छा एफ ऑफ ए प्लस के क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज टू की पावर एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा टू की पावर ए प्लस के ना, इसमें देखो के वेरिएबल है ए नहीं है, ए नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टू की पावर ए बाहर निकाल दें, कॉन्स्टेंट और के इज मूविंग फ्रॉम वन टू एन तो टू की पावर के, ऐसा मिल जाएगा टू की पावर के, देखो ध्यान से। और ये क्या है, ये जीपी है कि नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी है, के वन रखें तो टू की पावर वन, टू रखें टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, कितने टर्म्स हैं इसमें, एन टर्म्स हैं,
तो जीपी के एन टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, हाँ एन टर्म्स है, टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, याद है फॉर्मूला, इंटू टू क्योंकि ए ए कितना है, ए इंटू टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, ये जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है। सो बेसिकली ये हो क्या गया, टू की पावर ए प्लस वन टू की पावर एन माइनस वन, देखो ध्यान से क्या इतना आ रहा है, ये जो सम आ रहा है, और इसी को इन्होंने बोला क्या है, ये इसके इक्वल है, हाँ ये किसके इक्वल है, 16 टू की पावर एन माइनस वन, इसको उड़ा देते हैं, तो टू की पावर ए प्लस वन इज 16, हाँ टू की पावर इस ए थ्री आ गए, बस यही आंसर, बात समझ आए। हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं, चलेगा, एक क्वेश्चन और बच्चा, जस्ट 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 फिर नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, नेक्स्ट क्लास में इन्वर्स कराना है ना, चलो कोई बात नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको हटा दे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के फंक्शनल रिलेशन पे, और जेई मेन में और एडवांस में आते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक को। राइट डाउन क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन है, फाइंड एफएक्स विच सेटिस्फाई द रिलेशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x इंटू एफ डैश x इज इक्वल टू टू। आंसर करो, हाँ आसान है थोड़ा सा, मतलब अच्छा पहले तो ये देखो कि यदि ये गिवन है, ये गिवन है मान लो, है ना, सिंपल सी बात है कि पहले तो बताओ एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, के एल एन एक्स ना, हाँ तो जीरो तो नहीं होगा यहाँ पे, है ना, नहीं तो फिर ये आप नहीं आता, ठीक है, के एल एन एक्स है तो बताओ एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, के बाई एक्स ना, डिफरेंस एल एन इतना तो आता है ना, यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स इंटू के बाई एक्स इज इक्वल टू टू। अच्छा के बाहर निकाल देते हैं, निकल सकता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू। अच्छा ये फॉर्मूला होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है वन, है ना, लिमिट पढ़ा नहीं है, बट साइन एक्स अपॉन एक्स ये वन आता है, सो ये क्या हो गया, के इंटू वन इज इक्वल टू टू, मतलब के का वैल्यू कितना हो गया, टू आ गया, तो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड एफ एक्स ना, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स, बस यही आंसर, इस तरह से करना, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और करेंगे, ठीक है, और फिर अपन आईटीएफ स्टार्ट करेंगे, चलो बाय बाय।